من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله. وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب مؤقر علماء كرام زمداران من محترم ديني اور نوجوان ساتيو الله رب العالمين उम्म में उलमा को एक ख़ूसी मक़ाम अता किया है अल्लाह ताला ने उन्हें सारी इंसानियत में से दीन की अहम तरीन चीज़ और दीन में सबसे बड़ी चीज़ जिसके बग़ैर एक इंसान की निजात नहीं हो सकती ऐसी चीज़ पर के राम को अल्लाह रबालमीन ने अपने साथ और फ़रिश्तों के साथ गवाह बनाया उलमा के मक़ाम को ज़ाहिर करने के लिए काफ़ी दलील है अल्लाह ताला फरमाता है शाहिद हुआ वलमला वा। इकत हुआ उम्मिलक़ अल्लाह ताला खुद गवाह है इस बात का कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और फरिश्ते भी इस बात के गवाह हैं और वो भी जिन्हें इल्म दिया गया है या जो इम वाले हैं उम्माले इल्म इल्म इस आयत से बात मालूम होती है कि अल्लाह ताला ने तोद की गवाही के लिए अपने और फ़रिश्तों के गवाह बनाने के साथ साथ मा को भी तोहेद का गवाह बनाया है किसी को गवाह बनाने के लिए या गवाह बनने लायक होने के लिए दो चीज़ें होनी चाहिए गवाह वो बनता है जिसमें कम से कम दो बातें होनी चाहिए एक जिस मसले पर वो गवाह बन रहा है जिस मामले में वो गवाह बन रहा है उसका उसको इल्म हो जिसको मालूम ही नहीं उसको गवाह कैसे बनाया जाएगा किसी ने कोई बात कही हो किसी ने कोई काम किया हो और कहा जाए कि गवाह कौन है फूला गवाह है उसने देखा उसने सुना तभी तो गवाह बन सकता है तो गवाह बनने के लिए सबसे पहले इल्म चाहिए लेकिन गवाह बनने के लिए दूसरी चीज क्या है दूसरी चीज यह है कि गवाही देने वाला फ़िका हो अदल हो जो गवाही दे रहा हो वो काबिल एतमाद हो भरोसे के लायक हो उसको सच्चा माना जा सकता हो इसलिए कि अगर वो अपनी बात में सच्चा नहीं है और एतमाद के लायक नहीं है तो ऐसे इंसान को गवाह नहीं बनाया जा सकता इस आयत पर ग़ौर किया जाए तो इस आयत में अल्लाह ताला ने अपने साथ फरिश्तों के साथ को गवाह बनाया पहला सवाल किस चीज़ पर बनाया तोहद पर तोहीद के बग़ैर इंसान की निजात नहीं दीन की बुनियादी बातों में सबसे बुनियादी चीज़ जिसके ज़रिए इंसान इस्लाम में आता है और जिसके साथ दुनिया से उसको जाना चाहिए जिसके बगैर नजात नहीं अल्लाह ताला ने तमा को इस पर गवाह बनाया दूसरे अपने और फरिश्तों के साथ गवाह बनाया लिहाजा ये येमा की इल्मी हैसियत और उनकी अदालत दोनों की दलील है कि अल्लाह ताला ने मालदारों को नहीं चुना अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर दुनियावी एबार से साइंसदानों को या दुनिया का इल्म रखने वालों को नहीं चुना यहाँ गवाही के लिए अल्लाह ताला ने को चुना इससे मालूम यह होता है कि उम्म में आम लोगों के मुकाबले में मा का खसूस मकाम है सिर्फ अहल ईमान को नहीं कहा ने कि गवाह हैं फरिश्ते गवाह हैं और ईमान वाले गवाह हैं ईमान वालों में इल्म वाले भी होते हैं और कम इल्म और जाहिल भी होते हैं जाहिल को ऐसी चीज़ पर दलील नहीं बनाया जा सकता जो कि तमाम तर इल्मी है दुनिया में शिरकियात कुफ्रियात जितनी भी बुनियादी गुमराहियां हैं जिनके नतीजे में दूसरी गुमराहियां पैदा होती हैं उनके इलाज के लिए तौहीद तो ज़रूरी है दिलों से शुभहत निकाले जाएं और लोगों को गैर-अल्लाह की इबादत से निकाला जाए पेड़ की पूजा पत्थरों की पूजा सूरज चाँद की इबादत ये जितने शर्किया आमाल हैं इनकी जड़ ये है कि दिल में शर्किया अकीदा है अल्लाह के बराबर किसी और को मकाम दिया अल्लाह रबुलामीन की खसूसियात में दिल की सतह पर किसी को शर्क किया ये जितने शिरकिया मज़ाहिर हैं इनको ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि दिलों से शर्क को निकाला जाए और दलाइल की सूरत में दलाल की रोशनी में बताया जाए कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं यह तमाम तरह इल्मी मसला है शिर्क के मज़ाहिर जितने हैं बुतों को तोड़ के ख़त्म किया जा सकता है पेड़ों को काट के उनको ख़त्म किया जा सकता है गले में से धागे और बाजुओं पर से कड़े निकाले जा सकते हैं यह अमल से तो हो सकता है लेकिन इसको दिल में से निकालने के लिए कौन से हाथ हैं क्योंकि ये पर बाहर समाज में जो की चीज़ें आई हैं ये क्यों आई इसलिए कि दिलों में शिरक है दिलों से शिरक निकालने के लिए क्या तरीका है इल्म की रोशनी में शिरक की बुराई को वाज़ करना इल्म की रोशनी में तोह की हकानियत को और अहमियत को लोगों के सामने रखना ये इल्म के बग़ैर नहीं हो सकता है लिहाजा तोहैद का मामला तमाम तर अपनी बुनियादी हैसियत से इल्मा मसला है इसीलिए अल्लाह ताला ने अपने नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़रमाया ला फिल्म अला ए नबी इस बात को अच्छी तरह जान लें कि अल्लाह के सिवा कोई भी हकीक़ी मबूद नहीं इसको जान लीजिए ये इल्मी मामला है ये जानने के बाद ही ज़िंदगी में तौहीद के आमाल आते हैं जब तक कि तौहीद की मारिफत ना हो तौहीद वाले अमाल नहीं आएंगे लिहाज़ा को गवाह बनाना बिल्कुल वाजह है बादशाहों को गवाह नहीं बनाया बादशाह इस बात के गवाह हैं हालांकि अच्छा बादशाह शिर को ख़त्म करके तोहद को लाता है लेकिन वो भी कब लाएगा जब उसके पास इल्म हो तो नंबर एक एकमा की हैसियत क्या है हमको मालूम होना चाहिए हमारे माशरे में वो हैसियत है क्या हमारा समाज आज प्रोफेसर की इज़्ज़त करता है लेकिन आलिम की जो बच्चों को दीन सिखाता है स्कूल के टीचर की अहमियत है जो इंग्लिश मैथ्स साइंस पढ़ाता है लेकिन एक मकतब में एक आलिम है जो बच्चों के अक़ीदे की असलाह करता है उन्हें मोहम्मद अरबी का तारुफ कराता है शरीयत के अकाम तहारत से नमाज़ से लेकर आगे इस्लामी आदाब उनको सिखाता है क्या हमारी निगाह में उसकी वही हैसियत है जो स्कूल के टीचर की है आम तौर से माशरे में देखने में आता है कि उलमा का वो मकाम लोगों के दिलों में नहीं है जो दूसरों का है कॉलेज का प्रोफेसर इज़्ज़त पाता है उसकी तनख्वाह भी बहुत बड़ी होगी उससे मुलाकात के वक्त उसका उसकी एक अज़मत दिल पर होगी किसी से तारुफ़ कराया जाए प्रोफ़ेसर साहब अच्छा प्रोफ़ेसर हैं और कोई आलिम है मालम है बच्चों का मालम हो या बड़ों का हो उसका तारुफ़ कराते हुए मामूलीम साहब हैं, हैं मकतब के पढ़ाने वाले हैं आलिम साहब हैं हमारे समाज में अगर मा का मकाम वो नहीं होगा जिसके वो मुस्तक हैं तो इस बात की है कि हमारी ज़िंदगी में दीन के इल्म की वो अहमियत नहीं है जितनी दुनिया के इल्म की है क्यों ऐसा हुआ दुनिया की अहमियत दीन से ज़्यादा है इसलिए दुनिया के इल्म की अहमियत दीन के इल्म से ज़्यादा हुई इसीलिए दुनिया का इल्म रखने वालों की अहमियत दीन का इल्म रखने वालों से ज़्यादा हो गई ये सीधी सादी बात है लिहाजा इंसान का ये कहना कि नहीं हमारे नज़दीक दीन सबसे अहम है सही नहीं है अगर वाकई दीन सबसे अहम होता तो दीन का इल्म रखने वालों का मकाम तेरे नज़दीक दुनिया का इल्म रखने वालों से ज़्यादा होता अल्लाह कुरान करीम में फ़रमाता है कुल हल यस्तविल लदीन यामोना व ला अलायालमोन इन नमाय उलुल अल्बाब ए नबी आप कहिए कि क्या जानने वाले और नहीं जानने वाले बराबर हो सकते हैं सवाल करके छोड़ दिया जवाब अपनी बात में सवाल में ही जाहिर है क्या बराबर हो सकते हैं नहीं हो सकते इल्म वाले और इल्म से महरूम इल्म से आरी जाहिल या कम इल्म बराबर नहीं हो सकते इन नमायद दद्क का अलबाब यकी नसीहत तो वही लोग मानते हैं जो अक्ल वाले हैं समझदार लोग हैं नसीहत कबूल करने के लिए भी अक्ल चाहिए उमूमन कम अकल इंसान को नसीहत की जाए तो नसीहत करने वाले का दुश्मन बन जाता है या फिर उसकी नसीहत को लापरवाही से छोड़ देता है या मज़ाक उड़ाता है नसीहत मानने के लिए भी उतनी समझ होनी चाहिए कि बोलने वाला क्या बोल रहा है तो कहा कि क्या जानने वाले बराबर हो सकते हैं उनके जो नहीं जानते हैं ना दुनिया में मकाम के अतबार से ना आखरत में अंजाम के अतबार से अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है यरफा अल्लादीन मिनकुम वल्दीना ऊतुलिल तुम में से जो लोग ईमान लाए और हाँ ख़ास तौर से वो जो इल्म दिए गए हैं इल्मे हैं अल्लाह ताला इनके के दराजात को बढ़ाता है ज़ाहिर बात है कि इल्मों में हीमा आते हैं यानी ईमान वालों में ही आते हैं ईमान वालों, वालों से अलग नहीं हैं वो भी तो ईमान वाले हैं लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि ईमान वालों के दर्जात को अल्लाह ताला बढ़ाता है दुनिया व आख़रत में तो ईमान वालों से काट के अल्लाह ताला ने अलग बयान किया इल्म मनोमिन को तो में से जो लोग ईमान लाए अल्लाह ताला उनके दर्जात को बढ़ाता है और अलग से फ़रमाया व लदीन ओ और वो लोग खसूस जो लोग इल दिए गए हैं अल्लाह ताला ईमान वालों को ऊंचा दर्जा देता है कुफ़ार और मशरकिन के मुकाबले में फम म रदना असफ़ असाफिल और कुफर करने वालों को अल्लाह ने जिल्लत और पस्ती में डाल दिया मुनाफिकीन इन मुनाफिक अफिदरकिल असफ़ अलमिनार मुनाफिकीन जहन्नम के निचले दर्जे में सबसे तो कुफर शिरक और, और निफाक के नतीजे में इंसान जहन्नम की पस्तियों में गहराइयों में चला जाता है लेकिन अल्लाह ताला ईमान वालों को जन्नत की ऊंचाई अता फ़रमाता है जन्नत के ऊंचे मरातब बता करता है लेकिन ईमान वालों में से भी अल्लाह ताला उलमा को ऊंचा मकाम देता है व लदीना इल्म और वो लोग जो इल्म दिए गए क्यों इसलिए कि ईमान वाले जितने अमल करते हैं उन अमाल की तरफ उनकी रहनुमाई कौन करता है माए कराम उनको बताते हैं ये हलाल ये हराम ये सही अकीदा ये गलत अकीदा ये सुन्नत ये बिदात नमाज का ये तरीक़ा वज़ू का ये तरीक़ा जनाजे की नमाज हज उमरा ज़क़़त के मसाइल मीरास के मसाइल निका बीवी शहर के हकूक़ वालदे औलाद का ताल्लुक सारी चीज़ें कौन सिखाता है सिखाते हैं अद्दाला का ही खैर की तरफ़ रहनुमाई करने वाला ख़ैर के अमल करने वाले की तरह है तो उम्मत में ईमान वाले बहुत सारी नेकियां करते हैं ये नैकिया उनको कोई ना कोई आलिम बताता है अपनी ज़ुबान से या अपने कलम से लिहाजा जो लोग अमल करते हैं वो किसी न किसी आलिम के बताने से अमल करते हैं और नतीजा ये होता है कि उनको जब सवाब मिलता है तो उनका सवाब उस आलिम को भी मिलता है और वो वह अपना जो अमल करता है वो ज़ायद है फिर उसके ईमान का लेवल उसके इल्म की वजह से अलग से होगा जाहिर बात है कि जो इंसान अल्लाह को पहचानता है तो पहचान के अतबार से भी तो मरातब हैं जितनी अल्लाह की त वफ़ात की मारफ़त होगी उतना ईमान का लेवल होगा उतना तकवा ज़िंदगी में होगा अगर हकीकी तौर पर इम वाक़ इल्म है और फिर उसकी इबादत उतनी सही होंगी उसकी इबादात में इतनी क़वत होगी उतना खुशु होगा इन नमा मिन अल्ला इबादल अल्लाह से उसके बंदों में डरने वाले वही हैं जो उलमा हैं तो उसका अपना लेवल भी हाई होगा उसकी इबादत का उसकी दुआ का उसकी तिलावत का आप देखिए नमाज़ों में जैसे क़ुरान पढ़ा जाता है अवाम तो तिलावत सुनती है ठीक है क़ुरान की करत सुनती है दिल पर असर पढ़ने का होता है लेकिन जो आदमी उस आयत की तफसीर जानता है नमाज़ में उसकी हालत दूसरों से अलग होती है बशरते क्यों ध्यान दे तो वो जो लेवल उसका ज़ाती है वो तो है ही है लेकिन बाकी जितने अमल कर रहे हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी आलिम का उसमें दखल होता है और उसका सवाब उसको जाता रहता है तो आखिरत के जो दर्जात हैं वो दो चीज़ों की बुनियाद पर हैं ईमान और अमल सौल है आलिम का ईमान दूसरों के मुकाबले में फ़र्क होता है और इसी तरह से उसका अमल अपनी जगह कवि होता है मज़ीद ये कि ईमान और अमल की वजह से उनके जो दर्जात बढ़ रहे हैं वो सारा सवा इसको भी मिलता रहता है वह हमेशा ऊपर ही रहेगा यदी अमिनकुम व लदीन ओतलम दरजाज अल्लाह ताला तुम में से जो लोग ईमान लाए और हाँ वो लोग जो इल्म वाले हैं इल्म दिए गए हैं इनके दर्जा को ऊँचा करता है पूरी उम्मत में से सेमा को काट के अलग करना उनके खसूस मकाम की दलील है बाद लोग कहते हैं कि भाई हर आदमी जितना जानता उतने का आलिम है ये असला सलफ़ में नहीं थी फिर तो हर आलिम, हर हर आदमी आलिम हो जाएगा भैया छोटा बड़ा हर आदमी कुछ ना कुछ जानता है तो क्या उस पर आलिम का इतलाक़ हो सकता है आज हमारे दौर में का मकाम गिराने के लिए ये बात कही जाती है कि हर आदमी तो कुछ ना कुछ जानता है वो भी आलिम है उत्ते का आलिम है लोग अपनी ज़ुबान में उतने का आलिम है वो लेकिन वो आलिम नहीं है क्या कहा जाएगा कि कोई आदमी सर की सर दर्द की दवाई पेट दर्द की दवाई जानता है वो उतने का डॉक्टर है कोई नहीं कहता कोई आदमी घर में कील ठोक सकता है दीवार में तो उतने का इंजीनियर है दुनिया की अतलाह में ऐसा नहीं कहा जाता है आलिम के अलावा दूसरे जो मैदान हैं इंजीनियर डॉक्टर टीचर हाँ कोई औरत अपने बच्चे को घर के अंदर अलिबाता सिखा रही है या ए बी सी डी सिखा रही है कहा जाता है कि वो भी टीचर है उतने की टीचर है नहीं वो एक मक़ाम है ख़ास लेकिन दीन के मामले में उलमा के मकाम को गिरा के बताया जाता है हर आदमी वैसे ही हर आदमी कुछ न कुछ आलिम है तो आलिमों का मकाम खूशी ख़त्म कर दिया जाए अल्लाह के नबी वसल्लम फ़रमाते हैं कि इन अल्लाह ला यकबिदा इंतज़ान तज़मिनबद वाकिन यकबालम आल्म बब्दिलमा कि अल्लाह ताला इल्म को यूं ही नहीं उठाएगा कि लोगों के दिलों से इम को छीन ले बल्कि अल्लाह ताला एक एक करके करकेमा को उठाएगा उनके इल्म के साथ इदा आलिमन इतरनासर उस जुहाला, यहाँ तक कि जब मा बाकी नहीं रहेंगे तो लोग जाहिलों को अपना सरदार बनाएंगे और वसूल ब़ैर इल्म से सवाल करेंगे और वह बग़ैर के जवाब देंगे फतवे देंगे अवल व अवलु ख़ुद भी गुमराह होंगे दूसरों को भी गुमराह करेंगे मालूम यहाँ कि उम्मत में उलमा का ख़ुसूसी मकाम है जब उलमा नहीं रहेंगे तो नीम हकीम उम्मत की रहनुमाई के लिए बैठ जाएंगे उनकी मुस्ंद पर और चूँकि उनका आम लोगों में कुछ ना कुछ मकाम होगा भाई इनको भी बहुत कुछ मालूम है वह म नहीं होंगे उन से पूछेंगे ऐसे मामला में जिनका इनको इम नहीं होगा थोड़ी बहुत मालूम तो थी लेकिन वो उलमा के बिल मुकाबिल जोहला होंगे क्यों इसलिए कि उनको पूरी तरह से सही ढंग से इल्म नहीं होगा और उनसे पूछेंगे कोई आदमी समाज में ऐसे आदमी से नहीं पूछता जो सब में जाहिल मारूफ अरे जाहिल से पूछो मत उल्टा पूछते नहीं उससे वो जाहिल होंगे के मुकाबिल ये नहीं कि समाज में जाहिल जाहिल चलो इससे पूछते हैं नहीं वो थोड़ी बहुत मालूम रखने वाले होंगे वो नीम हकीम होंगे के मुकाबिल जाहिल होंगे और उस अधूरे इल्म के साथ लोग उनसे पूछेंगे वो बग़ैर इल्म के जवाब देंगे क्योंकि राय पर चलने वाले होंगे जवाब तो देंगे लोग उनको समझते होंगे कि इनसे भी जवाब ले सकते हैं लेकिन वो लायक नहीं होंगे उनके पास इल्म नहीं होगा और फिर वो अपने अपनी जहालत के साथ जवाब देंगे ख़ुद भी गुमराह होंगे दूसरों को भी गुमराह करेंगे आज वही दौर है आज वही दौर है कि एक एक करके उलमा दुनिया से जा रहे हैं और मीडिया के दौर में ऐसे लोग पैदा हो रहे हैं जो ये नहीं समझते हैं कि हमको उलमा से सीखना चाहिए हमने किताबें पढ़ी हमने यहाँ वहाँ से कॉपी पेस्ट किया हमारे पास भी मालूम है हमको की ज़रूरत नहीं है और आवाम में भी एक मिजाज ये बनता जा रहा है की जरूरत नहीं है और आदमी उनकी बातों को ले रहा है दो बातें वो अच्छी कहें उसके बाद पचास बातें उसकी लोग लेना शुरू कर देते हैं फिर वो अपनी तरफ से कुरान की तफसीर करेगा अपनी तरफ से हदीसों से मतलब निकालेगा अपनी तरफ से वो फतवे देगा हलाल हराम की बातें करेगा यहाँ तक कि दीन में झूठ भी बोलेगा आप देखिए जो यूथ क्लब वाले हैं नौजवानों में उनकी दावत चलो अखलाकी रहनुमाई कर रहे हैं ये इस तरह की कुछ बातें उनकी देख के अब उनको ऐसा मकाम दे दिया गया वो किसी भी मैदान में बात कर रहे हैं हती कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में झूठी बातें भी बोलने लग गए क्या कहा दज्जाल के साथ सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी किन की होगी दज्जाल के साथ सबसे ज़्यादा कौन होंगे और औरतें तो उलमा के बारे में शकूक और शुबहत पैदा करना किस हदीस में इस तरह से कोई हवाला तो दे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि और ने ख़ुद फ़रमाया कि आखिरी ज़माने में कुछ लोग आएंगे जो कैसे होंगे दाल्द और ऐसी ऐसी बातें ऐसी ऐसी हदीसें तुमको बताएंगे जो तुमसे पहले किसी ने सुनी नहीं होंगी तुमने तुम्हारे बाप दादा ने किसी ने भी सुनी नहीं होंगी ये क्या है ये इसी तरह की बात है कि अवला तो झूठ है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दूसरे ये कि उसमें उलमा को डाल दिया ताकि आवाम सोचे कि अच्छा दज्जाल के साथ उलमा होंगे लिहाजा ये सारे उलमा जो हैं ये दज्जाली लोग हैं दज्जाल की पार्टी के लोग हैं उलमा दज्जाल के साथ जा सकते हैं आवाम की बात नहीं हो रही की बात हो रही खसूस होंगे उनके साथ दज्जाल के साथ में तो के बारे में आप इखवानियों को देखिए किसका अहतम कम करेंगे उल्मा का उलमा बुज़दिल हैं स्कॉलर्स ऑफ डॉलर्स हैं सऊदी पेट्रो डॉलर के आगे झुकने वाले हैं उनके ग़ुलाम हुकूमत के और ये लोग जो हैं बिके हुए हैं बुजदिल हैं इनको दुनिया का इल्म नहीं है ये सिर्फ़ हैज़ निफास के आलिम हैं। एक तबका मुस्तकिल लगा हुआ है के मकाम को घटाने उनके अतम को कम करने उनकी सकाहत को कम करने उनकी अदालत को मजरूह करने लोगों को उनसे दूर करने के लिए क्या ज़रूरत है कीमा की? से पूछने की क्या ज़रूरत है तलाश कर लो यू, यूटूब के ऊपर इंटरनेट के ऊपर तो मिल जाएगा गूगल में मिल जाएगा पचासों जवाब मिलेंगे एक आलिम नहीं दे सकता इतने जवाब का काम कम करना इस दौर के फितनों में से एक बड़ा फितना ये भी है ठीक है हर आलिम वैसा नहीं होता है जैसा आपकी चाहत है उस लेवल का वो नहीं होता है हर आलिम बराबर सारेमा एक लेवल के नहीं है वो फ़ो ककुलदी इमलीम हर जानने वाले से एक ऊपर उससे जानने वाला है लेकिन ये कहना कि की सिरे से उम्मत को ज़रूरत नहीं हदीस बता रही कि जब नहीं होंगे तो गुमराही आएगी उमू में गुमराहियाँ कब आएंगी? जब उलमा समाज से निकल जाएंगे या कम हो जाएंगे लिहाजा ऐसे जितने भी लोग हैं गुमराह मुनरिफिन आपको दिखाई देगा कि वो मुश्तरक तौर पर सब मिल के एक बेसिक टारगेट उनका होता है उल्मा। उल्मा को समाज में ऐसा कर दो कि उनका मकाम ख़त्म हो जाए नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए और इसके नतज हमारे अपनी ज़िंदगी में देखने में आते हैं मा से बात करने का तरीक़ा खुतब देखे आलिम उतरे फ़ौर कौम उस पर टूट पड़ती है एक बात कोई ऐसी हो जाएगी उसकी हवाला देने में ख़लती हो गई आयत पढ़ने में कुछ हो गया उससे बात करने का तरीक़ा देखिए उसकी इज़्ज़त उतारना उसके बारे में बुरा बोलना उसका मज़ाक उड़ाना उसको अपना ग़ुलाम समझ लेना मस्जिद के अम्मा का हाल क्या है मदरसे के उलमा का हाल क्या है आप सोचिए आज ताउन करने के अतबार से जब लॉकडाउन आया लॉकडाउन में आपने देखा होगा मुसलमानों में से एक बड़ा तबका है उसने गरीबों को खाना पीना बांटने के ताल्लुक से मुहिम शुरू की है करोड़ों से अनाज खाना पीना जितनी भी चीज़ें हैं दवाएं वगैरह सब कुछ जमा करके उसको तकसीम किया बहुत अच्छा काम किया ज़रूरत थी उसकी लेकिन कितनों ने सोचा कि मदारिस बंद हैं मसाजिद बंद हैं कितने मसाजिद ऐसी जहाँ उलमा की तनख्वाह के लिए नहीं था कुछ क्योंकि चंदा जमा होता है और उसी से दिया जाता है मदारिस बंद हैं चंदा पूरे मुल्क में जमा किया जाता है और उसके बाद में दिया जाता है और रमज़ान ही में सब कुछ बंद और रमजान ही में उम मदरसों का चंदा होता है कितनों ने सोचा कि भाई भी तो हैं उनके बारे में भी सोचना चाहिए अपनी दीनी साख और अपनी दीनी बका दीनी अतबार से हमारी हयात का मदार मदरसों पर है अगर वहाँ से हमको इमाम नहीं मिलेंगे उलमा नहीं मिलेंगे उम्मत की कौम की रहनुमाई कौन करेगा अगर मस्जिद के इमाम मस्जिद की ज़िंदगी या वहाँ का निज़ाम छोड़ के निकल जाएँ कोई रिक्शा ड्राइवर बन जाए कोई दुकान में किसी स्टोर में जॉब पे लग जाए या कोई ट्रैवल एजेंसी में चला जाए और बोले हमको नहीं जरूरत है इस चीज़ की खाऊं क्या पीऊं क्या बीवी बच्चों को क्या देखूँ मैं कई मसाजिद में ऐसा हुआ कि वहां पर इमामों की तनख्वाह ही नहीं दी गई वे सब बंध है तुमको क्या दें नमाज़ तो पढ़ा नहीं रहे आप चले गए बहुत सारे लोग गाँव चले गए और गाँव में जाकर खेती बाड़ी में कोई लग गया कोई बिजनेस पे लग गया वापस ही ज़िंदगी में नहीं आया वो तुमने हमारा नहीं सोचे हम तुम्हारा क्यों सोचे तो इतना करोड़ों से जमा किए लेकिन आप देखें मदारिस और मसाजिद के जो अइमा हैं जो हमारे समाज में हैं कितनों के दिल में आया कि भाई इनका क्या हमारे पास तो दुकान है हमारे पास तो पैसे कमाने के ज़रिए हैं हम ऑनलाइन जॉब कर रहे हैं कमा रहे हैं हम लोग वर्क फ्रॉम होम हम कर रहे हैं क्या आलिम वर्क फ्रॉम होम कर सकता है मस्जिद के इमाम कर सकते हैं कितनों ने उनके बारे में सोचा मैं नहीं कह रहा कि अवाम के बारे में भूख के बारे में नहीं सोचना चाहिए उनकी भूख के बारे में सबने सोचा है गैर मुस्लिमों के घरों तक जाके झोपड़पट्टी में स्लम्स में जाके उनको दिए रास्तों पर खड़े होकर उनको बिस्किट और पानी की बोतलें और शरबत और जूस सब दिया होना चाहिए था ये अच्छी चीज है मुसलमानों की तस्वीर अच्छी बनी लेकिन ये जो दाखिली मसला हमारा है कि हमने इनको कितना ज़रूरी समझा कि इनकी भी ख़िदमत होनी चाहिए इनके बारे में कितनों के जहन में आया अगर नहीं आया तो बहुत अफसोस की चीज़ है कई लोग इस मैदान से निकल गए कई छोटे छोटे मदारस ख़त्म हो गए कई बच्चे चले गए और वापस आए ही नहीं ये जो मामला है हमारे मदारस का और फिर ऊपर से भी बहुत सारे हुकूमती मामलात मदारस के साथ जो आज हो रहे हैं अगर ये मामलात बढ़ते गए और मदारस ख़तरे में आए मदारस के लिए नुकसान का मामला रहा हमको मस्जिद में तरावी और हमारे जनाजे पढ़ाने वाला कोई नहीं रहेगा हमारे निकाह, हमारे मीरास के मसाइल से लेकर हमारी सारी रहनुमाई बच्चों को अलिबाता पढ़ाना और अल्लाह एक है बोलने वाला कोई नहीं रहेगा उलमा की, की हिफाजत ज़रूरी है इनकी हिफाज़त ज़रूरी है हर एतबार से क़ानूनी एतबार से और इसी तरह से माशी एतबार से इनकी बकाा ज़रूरी है का जो मकाम हमारे समाज में है कि एक आलिम है मिसाल के तौर पर जवानी में मेहदीन की खिदमत करता है, इमाम होता है या मदरसे में पढ़ाता है या अकेले तौर पर दावती काम करता है बूढ़ा हो जाता किडनी फेल हो गई हार्ट का प्रॉब्लम हो गया बीपी, शुगर से लेके सारी बीमारियां उसके जिसम में घोंसला बना ली अब उसके बाद में वो बिस्तर पर पड़ा रहता है जब तक वो मैदान में था रेस का घोड़ा था हाँ सब उसकी क़द्र कीमत जानते थे अब वो बूढ़ा हो गया अब वो बूढ़ा हो गया बिस्तर पर पड़ा है कितने लोग ख्याल रखते उसका जब तक उससे फ़ायदा था सबने फ़ायदा उठा लिया उससे जब उसकी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात हैं उसकी बीवी के पास उसके लिए दवा के लिए भी पैसे नहीं रहते हैं घर में उनके राशन भी नहीं होता है क्या खा रहा होगा क्या दवा उसकी हो रही होगी कौन उसकी खबरगिरी करने वाला है कौन उसके पास जाकर दो जुमले प्यार के मोहब्बत से उसको बोलने वाला है क्या आपकी माशाल्लाह बहुत खदमात है आपने किया आज आप हम आपके ग़ुलाम हैं हम खादिम हैं आपके आप हुक्म दीजिए हम लोग हैं आज समाज में हमारे का मकाम है क्या वो कि उनकी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में कौम कितनी कदर करती है उनकी और कितना ख़्याल रखती फिर हम ये चाहते हैं कि हमारे हमारे समाज के लोग अपने बच्चों को मदरसों में डालें कौन डालेगा बोलेंगे भाई इसका करियर ख़त्म नहीं करना है हमको इसकी लाइफ बर्बाद नहीं करना है देखो फुला आलिम का क्या अंजाम हुआ आखिरी उम्र में बेबसी की जिंदगी उन्होंने गुजार के दुनिया से चले गए फिर जब मर जाता आलिम मरने तक कोई नहीं आता मरने के बाद इंटरनेट पे तूफान आ जाता है एक, एक कड़वी बात बोल रहा हूँ मैं बहुत इंटरनेट पे व्हाट्सएप की दुनिया में तूफ़ान आ जाता है कसीदों की बारिश होने लगती है कि उम्मत का इतना बड़ा नुकसान हुआ कि जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है एक बहुत बड़ा आलिम गया इनके फ़ायल क्या ज़िंदगी के ऊपर हर आदमी अपने कमालत दिखाना शुरू करता है जब तक वो ज़िंदा था उसको कौन पूछा उसकी बॉडी दवा खाने में से लड़ के लानी पड़ी क्योंकि पैसे नहीं दिए थे वहाँ पे। लड़ झगड़ के उसकी बॉडी लानी पड़ी वहाँ से ये हालात उलमा के हैं हम जो भी कौम अपने को जो मकाम देती है अल्लाह ताला उसको वही मकाम दुनिया में देगा उनकी इज़्ज़त एहतराम उनकी कीमत अगर हमारे दिलों में है और उनके साथ वैसा मामला है हमको भी वैसी इज़्ज़त मिलेगी नहीं तो हम भी जूतियों में रहेंगे इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है लिहाजा बात लंबी ना हो जाए मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा की क़दर करें ठीक है हर आलम इमामबानी या इमन तहमिया या इमाम बुखारी नहीं है हर आलम का अपना एक मकाम है अवाम से तो ऊपर ही है वह अवाम से ऊपर है उसका एहतराम करना उसकी क़दर करना उसकी इज्ज़त एहतराम रखना उसके बात करने में तमीज़ रखना उसकी ज़िंदगी के मसाइल में उसका ख्याल रखना उसको बोलने लगाना मुश्किल है यानी ये हमारी जिल्लत है कि एक आलिम को बोलना पड़े मेरे मसाइल ज़रा ध्यान दो मेरे ऊपर ये मुसलमानों के लिए जिल्लत है बोलने नहीं लगाना उसको बस्तियों में इलाक़ों में मसाजिद में जहाँ भी जो भी हमारे इमा हैं उनका ख्याल रखना चाहिए उनका ख्याल रखना चाहिए ठीक है कुछ उलमा ख़ुद भी माशी तौर पर अच्छे हैं लेकिन सारे उलमा ऐसे होते नहीं हैं सभी जानते उलमा का क्या हाल होता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इस बात की तौफीक अता फ़रमाएँ कि राम के हम लोग दिल से क़दर करने वाले बने उनका एहतराम करने वाले बने उनसे सलूक हमारा अच्छा हो और उनकी ज़िंदगी में जो मसाइल आते हैं चाहे वो माशी हों या किसी भी अतबार से हों उन मसाइल में उम्मत उनका ताउन करने वाली बने जब ऐसा होगा और के साथ रॉयल ट्रीटमेंट जब होगी तो हर आदमी चाहेगा कि मेरा बच्चा भी मदरसा जाए जब उनके साथ ऐसी बुरी ट्रीटमेंट जब होगी कौम में तो हर आदमी देख के सोचेगा भाई मेरे बच्चे को आलिम नहीं बनाऊंगा मैं कुछ और बनाऊंगा क्यों देखो आलिमों का क्या हाल है और धीरे धीरे करके आलिम कम होते जाएंगे और उसके बाद कौम में रहनुमाई के लिए दीनी लीडरशिप नहीं रहेगी फिर प्रोफेसर के पीछे ही और सियासतदानों के पीछे ही मुसलमान चलेंगे और फिर उनकी आखरत का जो हाल होगा उनके दीन का जो हाल होगा सब समझ सकते हैं अल्लाह ताला इसके हमको अता फरमाएँ और हमें की कदर करने की और उनका एहतराम करने की तोफ़ीदाएँ अकोल्हादादा वतफ़ी वालकुम्म